तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल यानी कि मूवीज भक्त में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज से तकरीबन 4 दिनों पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई हॉलीवुड की बिगेस्ट एक्शन फ्रेंचाइजी यानी कि मिशन इम्पॉसिबल के 7 पार्ट के यानी कि डेड रिकॉर्डिंग फिल्म के शुरुआती 4 दिनों के टोटल इंडियन कलेक्शन के बारे में और बात करेंगे कि मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग फिल्म ने जो है अपने शुरुआती 4 दिनों के अंदर जो है टोटल कितने रुपये की कमाई की और यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या हो चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मिशन इम्पॉसिबल 7 जो कि एक हॉलीवुड की बिगेस्ट एक्शन फ्रेंचाइजी है और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म के फ्रेंचाइजी के जितने भी पहले पार्ट थे वो बॉक्स ऑफिस पर से जो है काफ़ी सक्सेसफुल जो है साबित रहे थे और इस फिल्म की फ्रेंचाइजी के जो इंडियन फैंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं और इस फिल्म का जो एक्शन है वो भी जो है ऑडियंस के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर टॉम क्रूज जैसा एक बिगेस्ट एक्शन स्टार इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहा है और इसी के चलते दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर इस फिल्म ने जो है अपने शुरुआती 4 दिनों के अंदर जो है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर से भी जो है काफ़ी अच्छी खासी जो है रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन जो है बॉक्स ऑफिस पर से जो है टोटल लगभग 12 करोड़ 30 लाख रुपये का नेट कलेक्शन करा था। वहीं इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाई लगभग 9 करोड़ रुपये। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म के तीसरे दिन का कलेक्शन निकल कर आया लगभग 9 करोड़ 30 लाख रुपये का। और दोस्तों इसी के साथ यह फिल्म जो है अपने शुरुआती 3 दिनों के अंदर जो है बॉक्स ऑफिस पर लगभग जो है 30 करोड़ 60 लाख रुपए का जो है टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो है अपने शुरुआती 3 दिनों के अंदर ही जो है कर चुकी थी। वहीं दोस्तों अब अगर बात करें इस फिल्म के चौथे दिन यानी कि आज सैटरडे के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूं कि सैटरडे यानी कि हाफ हॉलीडे होने की वजह से जो है इस फिल्म के कलेक्शन में एक जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है जंप देखने को मिल रहा है और यह फिल्म अपने चौथे दिन पर यानी कि आज सैटरडे को बॉक्स ऑफिस पर से जो है लगभग 13 करोड़ रुपए का जो है टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो है कर रही है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन है चौथे दिन का वो हो रहा है लगभग 15 करोड़ रुपये का। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती 4 दिनों का जो टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है वो हो रहा है लगभग 43 करोड़ 60 लाख रुपये का। वहीं इस फिल्म का ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन तकरीबन 50 करोड़ रुपए का जो है हो रहा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जिस तरह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर से जो है कलेक्शन कर रही है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि यह फिल्म आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जो है बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म का जो टैग है वो हासिल कर लेगी। हालांकि दोस्तों आप बताओ कि अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल 7 फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें जो है विधायक कमेंट करके जो है ज़रूर बताएँ।